नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो पर होने वाला फंक्शन फंक्शन इन जेएस। तो लास्ट वीडियो डेटा टाइप्स पे देखा होगा आपने, तो अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेटा टाइप भी जानना जरूरी है। सारे डेटा टाइप मैंने समझा दिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला फंक्शन फंक्शन क्या है और किस तरह से यूज़ करना है, तो पहले तो थोड़ा थ्योरिकली बेसिक समझ लेते कि क्या कैसे इस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, डिफाइन द फंक्शन कीवर्ड फॉलो बाय द नेम फॉलो बाय द पेरेंथिसिस। मतलब कि जो फंक्शन है वो फंक्शन से बना जाता है, मतलब फंक्शन कीवर्ड से बनता है, ठीक है। और फॉलो बाय नेम, नेम की जगह, और फॉलो बाय पेरेंथिसिस, मतलब पेरेंथिसिस में फंक्शन बनता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर लगे नेम की जगह फंक्शन फंक्शन और पेरेंथिसिस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इतना ही नहीं, फंक्शन पहले लिखना है होता है और साथ साथ में नेम भी, फंक्शन का नाम भी यहाँ पे डालना होता है, फिर पेरेंथिसिस यूज़ होता है। तो थोड़ा आप बेहतर समझ जाएंगे, मैं अगर प्रैक्टिकली करूँगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फंक्शन नेम कंटेंट लेटर डिजिट अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, जैसे कि वेरिएबल में जो रूल्स है वैसे सेम रूल्स है, बट ये इतनी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फंक्शन लेटर में भी यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स में भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर में यूज़ कर सकते हो। दो नेम जोड़ना है तो अंडरस्कोर आपको लगाना पड़ेगा, या फिर डॉलर साइन आगे लगा के भी कर सकते हो। जो कि जब वेरिएबल मैंने पार्ट्स दिखाया था तो ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई थी कैसे ये तीनों चीज़ काम करते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर वाला भी किया था, डॉलर साइन भी यूज़ किया था। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो अभी तक देखा होगा तो आपको आगे वाला पता चल चुका, याद आ चुका होगा, जो कि वेरिएबल्स में जो रूल्स है वही है। पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेट बाय कॉमास। देखिए यहाँ पे, देखिए पैरामीटर्स वन पैरामीटर टू इस तरह से यहाँ पे पैरेंथेसिस में आता है, तो वो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी के मैं प्रैक्टिकली जब करूँगा सब तभी आपको समझ में आएगा, फिलहाल थियोरिकल तो हम समझा ही देते हैं पहले, बट बाद में जब ये यहाँ से आप कोई भी चीज़ हो, थियोरिकल समझ में स्टार्टिंग में इतना नहीं आता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते। सिर्फ यहाँ नहीं, हर लाइफ में कहते हैं, तो लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ जब तक ना हो तब तक कुछ समझ में आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा होना चाहिए लाइफ में। तो कोई बात नहीं, द कोड बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस इनसाइड द कर्ली ब्रैक्स। तो फंक्शन क्या होता है कि मोस्टली कर्ली ब्रैक्स, फंक्शन की बात, कर्ली ब्रैक्स के अंदर जो भी कोड होता है वो कर्ली ब्रैक्स के अंदर होता है। मैंने शायद एक दो तो वीडियो में थोड़ा बहुत फंक्शन के समझाया भी, दिखाया है शायद, श्योर नहीं मैं, बट शायद दिखाया है। तो एक फंक्शन की यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया है, फंक्शन कैसे यूज़ करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे क्या है, तो यहाँ पे सिंटेक्स में आपको पता चल जाएगा। फंक्शन, फंक्शन के बाद नेम, फंक्शन नेम जो है वो, और ये फंक्शन यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस यूज़ करा है, ये और ये, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर यूज़ करते हैं, पैरामीटर वन पैरामीटर टू पैरामीटर थ्री, यहाँ पे पैरामीटर आप पास कर सकते हो। और फिर कर्ली ब्रैक्स, यहाँ पे देखिए ये कर्ली ब्रैक्स, और जो भी आपको कोड लिखना है वो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में यहाँ पे आप कोड जो कर्ली ब्रैक्स है वहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ और समझ लेते हैं कि फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पेरेंथेसिस, जो अभी हमने समझाया वही है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यू रिसीव बाय द फंक्शन व्हेन इनवोक, इनवोक का आगे आ गया तो आके आएगा तो मैं समझा दूंगा, फिलहाल यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट द पैरामीटर्स बिहेव लोकल वेरिएबल। तो जो पैरामीटर्स की बात करेंगे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो बिहेव करते हैं लोकल वेरिएबल की तरह, एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखिए वेरिएबल भी मैंने वेरिएबल में नहीं समझाया था एक चीज़ के, लोकल और ग्लोबल दो वेरिएबल आते हैं, जो कि उस टाइम नहीं समझा था क्योंकि उस टाइम हमने फंक्शन का वीडियो हम लेके आए नहीं थे। अगर मैं बस वहाँ पर समझा था तो फंक्शन जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक तो पता नहीं चलता, इसलिए उस टाइम नहीं समझा था। तो इसमें हो जाएगा कवर, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये थोड़ा थियोरिकल हमने समझ लिया, बाकी इसके बाद तो ऑब्जेक्ट्स आएगा और भी वीडियोस आएंगे धीरे धीरे, तो देखेंगे, ठीक है। मतलब फिलहाल अभी ये हो चुका, तो अब चाहते प्रैक्टिकल की और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये आ चुके हैं यहाँ पे कोड के लिए, मतलब कि फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है फंक्शन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे लाइव सर्वर भी ओपन कर रखा है, और 240% लास्ट हमने किया था वहीं पे है। ओके, यहाँ पे वहीं पे नहीं, क्योंकि हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं थोड़ा अच्छी तरह से जूमिंग में, तो कर दे 250 या फिर 300 400, तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, 250 या 40 रखते हैं यहाँ पे लास्ट, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए अब इसमें ना मैं कोई आईडी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो इनर एचटीएमएल का, जो कि हर प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पी टैग ले लेंगे, आईडी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी दिखाना वहीं पे। मैं काम करूँगा लास्ट में, अगर हो सके तो इसी वीडियो में स्टार्ट कर देंगे कि आप क्या बोलते हैं, याद नहीं
यार दिमाग में वो वर्ड निकल चुका है, एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। कंसोल, कंसोल सॉरी यार, कंसोल सॉरी कंसोल नहीं बट कंसोल। इसमें अगर मुझे दिखा रहा है तो भी दिखा दूंगा फिलहाल, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाद में इसको कमेंट करके मतलब इस तरह से दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल मैं अभी इस पर आईडी का यूज़ करके अभी ब्राउज़र में ही दिखाएंगे और डेमो डाल देते हैं। आईडी तो हम डेमो ही डालेंगे क्योंकि फंक्शन वगैरह आईडी लिखना अच्छा अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये सारे कुछ कुछ वर्ड से जो रिव्यूजब वर्ड कहते हैं उसको। तो स्क्रिप्ट डाल देंगे उसमें, स्क्रिप्ट के अंदर बीच में हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स, या फिर कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल बना दिया हमने, ठीक है, ये वेरिएबल बन चुका। अभी फिलहाल कुछ डाला नहीं है बट एक्स वेरिएबल बना दिया। और इसके बाद सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी जो अभी तक हम करते आ रहे वैसे ही करना है आपको। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी का नाम यहाँ पे डाल देंगे डेमो, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डॉट इनर एचटीएमएल, और फिर इज इक्वल टू करके यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इस तरह से ये हो चुका कुछ, यहाँ पे जो मेन बेसिक चीज है वो हमने कर दी है। अब यहाँ पे साथ साथ में काम ही कर लेते क्योंकि हमें एक्स को रिजल्ट पास करवाता था, एक्स यहाँ पे डाल ही देते हैं, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने रिजल्ट में शो करा, लेकिन अनडिफाइंड मतलब मैंने लास्ट में बताया था डेटा टाइप्स में अनडिफाइंड किया कैसे क्या होता है, वो अभी मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, बट जो मेन चीज़ है वो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन तैयार करेंगे, मतलब नॉर्मल सा सादा वाला फंक्शन जिसमें रिटर्न वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन कैसे बनते हैं, फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर बनते हैं, और फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन नेम जो हमने लास्ट में अभी प्रैक्टिकल थियोरिकल में थोड़ा समझाया कि सिंटेक्स कैसे था, सिंटेक्स नाम देखा होगा, ठीक है। फिर नेम डाल लेते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे स्पेस देंगे, और स्टार्टिंग में हमेशा माई फंक्शन जैसा ही आप यूज़ करते हैं तो फंक्शन के नाम आप माई फंक्शन दे सकते हो, बाद में चेंज करना कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। मैं इसको इस तरह से फंक्शन बना लेता हूँ, और ये माई फंक्शन नेम आ चुका है, मतलब यहाँ पे एरर मतलब हल्की सी एरर जैसे दिख रही है, बट टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। और अब यहाँ पे पूरा जब तक हम कंप्लीट नहीं करते तब तक ये कर्ली ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, जैसे करा तो एरर चली गई, ठीक है। तो कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे देखिए माई फंक्शन लिखा, बट इसका मतलब ये नहीं कि माई फंक्शन में काम करें एक्स वाई जेड लगा दो यहाँ पे कंट्रोल एस करके तो भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो नेम में, तो बट ये चीज़ है। अब रिटर्न वैल्यू करेंगे, बट आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा, तो पैरामीटर में कुछ भी नाम डाल सकते हो, बट कितने पैरामीटर पास करेंगे वो डिपेंड करते हैं आप पे। तो नेम में पैरामीटर में डाल देता हूँ वैल्यू वन, वैल्यू वन, और फिर यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू टू, वैल्यू टू, टू वैल्यू पे जाएंगे हम, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। रिटर्न करेंगे फिलहाल, रिटर्न कहाँ से करेंगे वो भी बताएंगे, इसको भी रिटर्न लिख ही लेते हैं, ठीक है। रिटर्न और यहाँ पे वैल्यू वन और यहाँ पे वैल्यू टू, वैल्यू टू, बट वैल्यू टू आपको करना कैसे, मतलब इसका मतलब डालने तो आप डाल दिया, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या करना है, रिटर्न में क्या आउटपुट होना आना चाहिए, मतलब ठीक है। मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस साइन मतलब कि प्लस करना है मुझे, अभी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने वैल्यू डाली नहीं है। वैल्यू डालनी कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, और वैल्यू डालने का तरीका है आप देखिए इज इक्वल टू करेंगे आप सिंपल सा। और अब देखिए आपको वैल्यू डालना कैसे है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डालना है, नहीं डायरेक्ट डालेंगे तो ये सिर्फ एक्स टेन ही आएगा, मतलब कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली वही, बट हमें वैल्यू अलग डालनी, मतलब यहाँ से फंक्शन से होके आने चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड फंक्शन का नाम है, तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे अब, ठीक है। जैसे कि प्लस कर रहे हैं तो मैं टेन, और कॉमा यहाँ पे कॉमा कर देते हैं कॉमा, और कुछ डाल देते हैं फाइव, ये हमने वैल्यू डाल दिया, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। देखिए कहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैं फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट करता कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये सादा वाला फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो नॉर्मल आज तक करते आए थे वो तो करा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज करा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाली, वैल्यू डाली तो फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आए। फंक्शन में हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम यहाँ पे डाल दिया, उसके अंदर ये फंक्शन इस तरह से कर्ली ब्रेक्स यहाँ पे करनी पड़ती है, तब जाके फंक्शन पूरा होता है, तब भी पूरा नहीं होता बट कर्ली ब्रेक्स सॉरी राइट, यहाँ पे पेरेंथिसिस यूज करना होता है, और यहाँ पे इस तरह से, और वो पेरेंथिसिस जिसमें पैरामीटर आप डालना चाहते हो नहीं डाले, कुछ कंडीशन में नहीं भी डालेंगे तो प्रॉब्लम, लेकिन डिटेल वैल्यू करनी तो ऑब्वियसली पेरेंथिसिस में पैरामीटर डालना पड़ेगा। बट कंप्लीट कहाँ पे होता है, अगर मैं इसको हटा भी दो एक बार कंफर्मेशन के लिए, थोड़ा कंफर्म मतलब इस तरह दिखाने के लिए मुझे कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आउटपुट यहाँ पे चला जाएगा नो डाउट, बट यहाँ पे देखिए फंक्शन कंप्लीट क्या होता है, अभी इसको भी निकाल दे, ठीक है। थोड़ा मैं एक बार इसका थोड़ा फ्रेम दिखा देता हूँ, ये भी निकाल देता, ठीक है। फंक्शन ये फंक्शन इस तरह से होता है,
मतलब ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेक्स, यहाँ पे फंक्शन खत्म होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक सिंटेक्स कह सकते हो, जो कि हमने अंदर क्या क्या डाला, एक रिटर्न वैल्यू डाली जिसमें कोड डाला और साथ साथ में एक यहाँ पे पैरामीटर डाला, ये वैल्यू वन और वैल्यू टू। ठीक है, तो ये चीज़ है और वापस आउटपुट आ जाएगा। बट आउटपुट कैसे डायरेक्ट नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने वैल्यू को डाली थी, बट हमने क्या किया, लेट जो वेरिएबल है वेरिएबल के अंदर फंक्शन का नाम डाल दिया इज इक्वल टू करके, रिजल्ट में हमें पैरेंथेसिस के अंदर हमें ये जो इस नंबर का रिजल्ट हमें इस फंक्शन के थ्रू समझाना है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के थ्रू आना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर के पास करने, पैरामीटर जो पास रिटर्न वैल्यू है वो होने के बाद यहाँ पे शो करना चाहिए। और हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे इस तरह से शो नहीं होता एक्चुअली, बट इस तरह से शो होता है। तो क्या हो करा कि इसमें वैल्यू वन वैल्यू टू पैरामीटर पास किए, रिटर्न में वैल्यू वन इसका प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस करा है तब जाके यहाँ पे 15 हुआ ना। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो कितना था, 10 एंड 5 में से 5 हो जाएगा कंट्रोल एस करते। तो देखिए यहाँ पे 5 हो चुका है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो 10 5 50 50 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए तो यहाँ से ही तो आता है ना एक्चुअल रिजल्ट, हम यहाँ पे हमने वैल्यू पास की लेकिन रिजल्ट तो यहाँ से आता है ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं वैल्यू इसका मल्टीप्लीकेशन करवाया हमने, तो रिटर्न में मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू आनी चाहिए, रिटर्न में ये आना चाहिए, पर कहाँ से, पैरामीटर से, और पैरामीटर के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू डालनी है तो वो यहाँ पे ये वैल्यू आप डाल सकते हो, और रिजल्ट के लिए तो ये है जो कि वेरिएबल हमने, क्योंकि इसमें पहले स्टोर हुआ वेरिएबल में, फिर जाके यहाँ पे रिजल्ट है, ऐसे 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 करके यहाँ पे बनी है कुछ इस तरह से चीज़ें जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे अभी कर्सर घुमाया इस तरह से, तो ये है यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिटर्न वैल्यू का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा और आपको एक मन में डाउट करता हूँ, ये मैंने ऊपर किया, क्या हम नीचे कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हो, जैसे कि ये फंक्शन हमने ऊपर तो क्रिएट किया, लेकिन क्या इसके नीचे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भैया, क्या प्रॉब्लम है, ऊपर करो नीचे करो, काम तो वही होना है जो अभी पहले बताया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर काम करते इसको निकाल ही देते। ठीक है, एक काम करते इसको कमेंट कर देते हैं, और पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें नीचे भी सेम यूज़ करना पड़ेगा, तो सेम मतलब उतना ही सेम नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, बट वैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दो फंक्शन सेम नहीं काम करा इसलिए कमेंट करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरह से इसको कमेंट कर देंगे, और अभी प्रॉपर ये जो यहाँ पे कर्ली ब्रेक्स रह गया, कर्ली ब्रेक्स अभी काम क्यों नहीं करा, कर्ली ब्रेक्स कॉपी पेस्ट कर दे क्या, कर देते कोई बात नहीं, तो यहाँ पे डाल देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है आप ऊपर नीचे, तो मैं अभी वापस उसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, बेस्ट मुझे ऊपर वाला अच्छा लगता है मतलब। ठीक है, ऊपर वाला मतलब भगवान भी अच्छा लगता है और सब कुछ अच्छा ही लगता है ऊपर वाला ही कोई दिक्कत, थोड़ा नेगेटिव मत सोचना, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो चीज़ मेन है वो हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ कि फेरनहाइट और सेल्सियस कैसे निकाल सकते हैं इसमें, वो चीज़ दिखा रहे थे इसमें, कि जैसे कि एक काम करते पहले नेट पे ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही आप डायरेक्ट डाल नहीं सकते। फेरनहाइट फॉर सिंपल सा फॉर्मूला है, बट सेल्सियस, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका रहेगा इन जी एस करते। ठीक है, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फेरनहाइट का फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा सी कोड में, और बहुत सारे और भी वेबसाइट है, W3 बढ़िया एक वेबसाइट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो हमें W3 में जाके दिखा देंगे। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, सेल्सियस फेरनहाइट का, चाहो सिर्फ कोड कॉपी कोड कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी है, इसको जूम कर दे, ठीक है, कैसे क्या है, बट ये देखिए पूरा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कर रखा है, तो ये अच्छी आदत, बट हम देख के नहीं करिए, खुद भी करना चाहिए कभी कभी। सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ से इतना फंक्शन का नाम अब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम रखते हैं सेल्सियस, सेल्सियस स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम डालेंगे फंक्शन, फंक्शन के अंदर ऐप डाल देंगे फेरनहाइट का, तो फेरनहाइट यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन होगा, और इसमें डाल देते हैं अब, ठीक है, वैल्यू जो हमें डालना है, क्या था इसका आउटपुट देख लेते हैं, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को यहाँ पे ये इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिटर्न, रिटर्न में आना चाहिए, हम रिटर्न वाला यूज़ करें, तो रिटर्न में यूज़ करेंगे यहाँ से
ऐड क्यों आ गई, गंदी वाली ऐड आ गई। 5 बाय 9, 5 बाय 9, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा, मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है। तो 5 बाय 9 इसका फॉर्मूला है, 5 बाय 9, और फिर स्टार, स्टार है राइट, स्टार है। और इसके बाद यहाँ पे डाल लेते हैं फेरनहीट, एफ हमने डाला है यहाँ पे, पैरामीटर में पास करा है, तो एफ का यहाँ पे डाल देते हैं 32, यहाँ पे 32 है, देख लीजिए, ठीक है, ये 32 है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंट्रोल एस करते हैं, बट यहाँ पे अभी कॉमा रह गया, सेमी कॉलन सॉरी। तो ये कंप्लीट हो चुका, अब इसको बंद कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये है, और देखिए ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, मैंने एक प्रैक्टिकल बना के रखा है, मैं आपको शायद इसी में दिखा दूँ, या फिर दिखाएंगे जब एम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो, इसके बाद दिखा दूंगा शायद, कुछ भी मतलब दिखा दूंगा, ठीक है। इस फेरनहाइट और केल सेल्सियम अलग अलग बहुत सारे ऐसे जो यूज़ होते हैं, ये तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं आप समझ सकते हो, तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद आपको रखना है, एक्चुअली मुझे तो याद था, बट मुझे आपको इंटरनेट से दिखा रहा, इनके साथ भूल चुके तो क्या करेंगे, तो इससे बेटर है कि इंटरनेट से इस तरह से आप कॉपी पेस्ट मतलब देख के कर सकते हो, ठीक है। देखिए इंटरनेट तो हर जगह होगा तो कर सकते, लेकिन इंटरव्यू में शायद आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो तब तो आप या आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हल्का सा चेंज भी कर देना, तो यहाँ से मैं क्या फंक्शन का नाम रखा, सेल्सियस, बट सेल्सियस एक्चुअली स्पेलिंग गलत है ऐसा मुझे लग रहा है, सेल्सियस ये वाला, और सेल्सियस 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 ये तो अभी सेम लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर स्पेलिंग गलत है या क्या है, पता नहीं। यहाँ पे एक एरर आ रही है, नॉट एन नल वैल्यू, नॉट एन नल, मतलब ये नॉट एन नल, अभी तो हमने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, ये कैलकुलेशन सही बैठ गया है, अब इससे हम पता चल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको सेल्सियस नापना है, डालना है कितना सेल्सियस, तो मैं डाल देता हूँ 70%, 70 डाल देते, कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे सेल्सियस आ चुका है। अब इसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेल्सियस, सेल्सियस टू फेरनहाइट, यहाँ पे फेरनहाइट, यहाँ पे कन्वर्टर जो होगा फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो कितना हमने सेल्सियस डाला है, 70, तो यहाँ पे डालते हैं 70, जैसे 70 डाला 180 यहाँ फेरनहाइट दिख रहा है, बट हम यहाँ पे काम करते उल्टा डाल देते हैं, यहाँ पे 70 फेरनहाइट डालते हैं तो फिर सेल्सियस यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 21.1, यहाँ पे क्या था 21.1, बाकी बहुत सारे लोग हैं बट एक दो नंबर ही यहाँ पे ऑलवेज दिखा था, 4 नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया, अब कैलकुलेशन कैसे हुआ यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पता चल रहा है यहाँ पे कैसे क्या हुआ, ठीक है। यही चीज़ इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे ये जो इस तरह से हुई है वो यहाँ पे इसी तरह से हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकल कर रखा है, आपने यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्ट दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, तो ये जो प्रैक्टिकल है अब कैसे काम कर रहा है ये देखिए, वही इस तरह से यूज़ करेगा, बट इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट हमने जो क्रिएट किया वो, तो यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू, जैसे कि मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ 50 डाल लेते हैं, और इसका रिजल्ट हम किसी तरह से ये देख सकते हैं, मतलब रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, फेरनहाइट टू सेल्सियस तो 10 आएगा इसका, जैसे कि मैं फेरनहाइट टू सेल्सियस वापस सर्च कर लेता हूँ, फेरनहाइट टू सेल्सियस, फेरनहाइट टू सेल्सियस राइट, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो सेल्सियस, अब फेरनहाइट में कितना डालेंगे, 50, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं 50, ठीक है, और 50 जैसे डाला तो 10 वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे भी आ चुकी है 10 वैल्यू, तो ऐसे भी देख सकते हो, डॉलर टू रुपीज़, तो ऑब्वियसली 50 डॉलर का कितना डॉलर होगा, रुपीज़ टू डॉलर, तो ऑब्वियसली 50 जो रुपये का होगा इतना डॉलर, जैसे कि अभी प्राइस कितना चल रहा है, 83 समथिंग चल रहा है, तो 83 डाल के हम रुपीज़ टू डॉलर करते हैं तो 1 डॉलर बन जाता है यहाँ पे, देखिए सेंटीमीटर टू फुट, यहाँ पे वो भी आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं, किलोमीटर टू फुट ये भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे वो, ठीक है। पाउंड टू केजी ये भी कर सकते हो, तो ये भी प्रैक्टिकल मैंने बना के रखा है, आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसका थोड़ा मैं स्क्रिप्ट दिखा दूँ, चलिए दिखाई देता हूँ, ठीक है, आपको कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं ये रहा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में जाते हैं, और ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे देख सकते हो जेएस की स्क्रिप्ट है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लगा के रखी, और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे ज़्यादा नहीं छोटी वाली है, तो ये चीज़ है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बस ये एग्जाम्पल डेमो दिया कैसे फंक्शन, वहाँ पे भी फंक्शन बनाए और यहाँ पे भी फंक्शन बना के यूज़ किया, तो ये इसको आप कमेंट कर देते, अब जो बाकी का बचा हमारा आगे का वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी बंद कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्या बचा है,
अब यहाँ पे लोकल और ग्लोबल समझा लेते हैं, जो कि दो तीन वीडियो में पहले समझाना मतलब आया था थोड़ा बहुत पार्ट, लेकिन मैंने समझाया नहीं था, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं समझा दे तब तक आगे वाला हम करते भी तो भी आपको समझ में नहीं आता। करेंगे क्या, फंक्शन बनाएंगे एक नॉर्मल सा, वापस अब डाल लेते हैं माई फंक्शन, जो कि मैंने पहले डाला था, बट अब इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लिया और फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं और ये फंक्शन रेडी। राइट, फंक्शन का सिंटेक्स बन चुका है। अब इसमें यूज़ क्या करता है, पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर, लेट फंक्शन का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट फंक्शन का नहीं, लेट की अंदर वेरिएबल बना लेते हैं, लिखते हैं कार नेम। यहाँ पे कार नेम में एक फंक्शन बना लिया और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल इस टाइम। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बन चुका है, फंक्शन नहीं सॉरी वेरिएबल बन चुका, और फिलहाल हम तो यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखे इस बिटर है, यहाँ पे ऊपर पड़ा है तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे रख देते हैं कंट्रोल वी। अब कॉपी पेस्ट करने से क्या मतलब, यहाँ पे सिर्फ और चेंज करना है कार नेम नेम। ठीक है, तो ये हो चुका, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट शो करेगा, अभी नहीं करा। तो ये कुछ हो चुका कार नेम, और साथ साथ में कॉपी पेस्ट हमने कर दिया डेमो डेमो वाला कॉपी हमने, राइट ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हो चुकी, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दे ताकि कोड बेहतर समझ में आ जाए हमें। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फॉर्मेट हमने बना लिया है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल में हम लिखेंगे यहाँ पे, ये फंक्शन में अभी बाद में लिखते हैं, आउटसाइड के लिए, मतलब कि आउटसाइड में हमें कुछ दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं नीड। राइट, नीड डाल दिया हमने, एक स्ट्रिंग बना ली और यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, अब फंक्शन में जाते हैं और यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक सेम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये वाला भी कार नेम, और इसमें डाल देते हैं कार नेम के अंदर बलेनो, जो कि हमारी गाड़ी है, थोड़ा खांसी बासी आ रही है तो चला लेना। ठीक है, क्योंकि तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है अभी, आपको पता होगा लास्ट दो वीडियो में, तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करें इस टॉपिक पे। और एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट करके, और यहाँ पे कार नेम यूज़ कर दिया, एक ही बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या शो कर रहा है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे नीरी कर रहा है, एक्चुअली हम यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हैं, दोनों को एक्स, यहाँ पे कार नेम और यहाँ पे एक्स है, राइट, तो इसको कार नेम लिख देते हैं दोनों जगह, कार नेम। दो हमने डॉक्यूमेंट्स एलिमेंट यूज़ करा, मतलब दो डॉक्यूमेंट्स एलिमेंट के दोनों आउटपुट आने चाहिए, बट दोनों आउटपुट आने चाहिए नो डाउट, बट हल्का सा एक मिस्टेक करिए, ये जो डॉक्यूमेंट है वो अंदर डाल देते हैं फंक्शन के अंदर। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरा सेलेक्ट करके, ये जो फंक्शन के अंदर आना चाहिए बाहर डाल दिया था, कोई बात नहीं, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस। तो यहाँ पे अभी भी कोई आउटपुट आया नहीं आया, तो रिटर्न इसको कर लेते हैं यहाँ पे माय फंक्शन को हम यहाँ पे हल्का सा इस तरह डाल लेते हैं रिटर्न नीचे। ठीक है, तो अब देखिए बलेनो, जब तक हमने ये डाला नहीं था तब तक क्या हुआ था, वो ऊपर वाला शो करा था, मतलब कि यहाँ पे अब आपको पता चलेगा। देखिए एक साथ यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट, ठीक है, तो क्या आ रहा था नील। अब देखिए फंक्शन कैसे यूज हुआ, मतलब फंक्शन को कॉल करवाना है हमें, सॉरी रिटर्न नहीं कॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमने एक वेरिएबल लिया था लेट कार नेम, ठीक है, और सेम वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर भी यूज करा है लेट कार नेम, जो कि लेट में नॉर्मली हमने कई बार बताया कि लेट में सेम वेरिएबल आप नेम से यूज नहीं कर सकते, राइट। बट मैंने शायद कुछ वीडियो में ये भी समझाया था कि आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो अलग अलग, जो कि एक वीडियो में शायद दिखाया भी है, बट उस टाइम इतना शायद ना समझ आया, तो आप समझ लेना कि मैंने सेम वेरिएबल तो यूज किया है, तो लेट का भी यूज कर सकते हो। वेयर वेयर के अंदर क्या होता है, वेयर के अंदर आप सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट वैल्यू जो होती है लास्ट वाली शो करती है। ठीक है, वैसे लेट में भी करती है लास्ट वाली, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, बट वेरिएबल सेम हो तो फिर क्या होता है कि हमारा वैसे काम नहीं करेगा, बट फंक्शन के अंदर वेरिएबल है तो फिर फर्स्ट वाला अप्लाई करेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या वैल्यू एलिमेंट नहीं डाले, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके हमने यहाँ पे कार नेम कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट हम आज तक करते थे वैसे ही आया, बट नीचे एक फंक्शन भी हमने बनाया है, फंक्शन के अंदर भी लेट कार नेम यूज करा है और इसमें वैल्यू डाली है बलेनो, और वही भी कॉल करवाया सेम कार नेम से यहाँ पे कॉल करा है, बट ये वाला शो नहीं करा जब तक
हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक ऊपर वाला ही शो करेगा सेम वेरिएबल हो या फिर नहीं, बट जब तक हम फंक्शन का कॉल यहाँ पे हम कर लेते हैं तो ऊपर वाला आप शो नहीं कर रहा है, सीधा जाएगा फंक्शन पे क्योंकि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू वो यहाँ पे शो कर रही है, मतलब यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे फंक्शन भी इस तरह से लोकल और ग्लोबल, अभी कि लोकल सेम वेरिएबल आप नहीं कर सकते, ये देखिए ये जो है लोकल है ये वाला, ठीक है ये लोकल मतलब कि फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बाहर या आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इसी लेट को बाहर यूज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये फंक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है और इसको यहाँ पे हम कॉल करने की कोशिश करते हैं तो सीधी तौर पे यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि ऊपर ही हमने सेम वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो चाहे आप वैल्यू कुछ भी चेंज करो कुछ ना करो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑडी ओडी कार याद आ गई, तो फिर कुछ भी मतलब वेरिएबल यहाँ पे आउटपुट में शो नहीं करेगा। आप देखिए क्या माई फंक्शन हमने कॉल भी करा है तो भी ये वाला अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि हमने बाहर भी एक वेरिएबल लगा दिया है ऐसा ही, तो फिर वो काम नहीं करा, तो इसलिए देखिए सेम ये लोकल मतलब अंदर ही यूज कर सकते हो आप, लोकल मीन्स अंदर, ये जो अंदर जो वेरिएबल बनाया है वो अंदर के लिए होता है, बाहर आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते हो, ये लोकल कहते हैं। बट ग्लोबल जो वेरिएबल है ये वाला, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अंदर भी यूज कर सकते हो बाहर भी यूज कर सकते हो कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए देखिए पहले ये बनाया हमने ग्लोबल बनाया, तो अब इसको हम लोकल में यूज कर सकते करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, बट ये जब क्रिएट किया है तो अब इसको मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ जब ग्लोबल में, तो वो अब अप्लाई नहीं कर रहा। एक काम करते हैं ना, इसको इस वेरिएबल को नेम चेंज करते हैं, कार अभी रखते हैं इस टाइम के लिए। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है मैं अभी वापस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है क्योंकि ग्लोबल में तो अब ये कार नेम वाला तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कार ही है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है क्योंकि एक बार आप अप्लाई ग्लोबल में कहीं भी कर सकते हो अंदर वाला। तो यहाँ पे देखिए लोकल वेरिएबल एक टाइम हमने पहले लोकल में बनाया, बट यही लोकल हम बाद में यहाँ पे फंक्शन के बाहर भी यूज कर रहे हैं तो काम कर रहा है क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये तो हमने अलग बनाया और ये अलग बन चुका है, तो एक भी बार कार नेम पहले बना ही नहीं था, जब लोकल के बाद आप एक बार ग्लोबल में बनाते हो तो अप्लाई करेगा, लेकिन पहले से आपने यहाँ पे कार नेम सेलेक्ट किया था तो फिर ये वाला अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला नीचे वाला क्योंकि सेम नेम का है। देखिए अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने नेम लिखा है यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है यहाँ पे भी, लेकिन आप ऊपर वाला ही ये वैल्यू करेगा क्योंकि ये पहले आता है रीड में, कैसे आता है लाइन बाय लाइन ये रीड आता है फिर ये रीड आता है रीडिंग में, जैसे जावास्क्रिप्ट या फिर ब्राउजर ऐसे इस तरह से रीड करता है। ठीक है, तो हमेशा ये नीचे वाला काम नहीं करेगा जब आपके पास सेम वेरिएबल आ जाता है तो, और लोकल ग्लोबल का ये फर्क है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये समझ लेना जरूरी है। और माई फंक्शन जब तक हम कॉल नहीं किया तब तक ऊपर वाला ग्लोबल वाला ही अप्लाई करा था जो नीर है वो। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको समझना जरूरी है। तो ये मुझे कवर करना था कि लोकल और ग्लोबल में क्या है, लोकल का लोकल ही अंदर रहेगा और बाहर यूज करना तो कर सकते हो एक बार, बट कहाँ पे फंक्शन के नीचे तभी आपका काम चलेगा, जैसे कि क्योंकि हमने सेम वेरिएबल लगाया है तो ऊपर तो लगा नहीं सकते, मतलब तो ये लगाए वही मतलब है, हम अलग नहीं कर सकते, बट फंक्शन के बाद लगा सकते हो, बट कब, जब वो सेम वेरिएबल ऊपर ना बना हो तब, तो ऊपर बन गया भाई पहले ये बनाया फिर आपने लोकल में सेम वेरिएबल बनाया तो ये अलाउ करता है इस एक एक वा जब एक ब्रक्स में मतलब सॉरी ब्रेक्स में आ जाए कर्ली में और फंक्शन में आता है तब तो। बाकी ये डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी यूज नहीं कर सकते, मैं इसके नीचे भी कर दूँ राइट लेट कार नेम, जैसे मैं कार नेम डालूंगा एरर आ जाएगी, देख लीजिए एरर आ चुकी जबकि ये फंक्शन के ऊपर है फिर भी, तो ये भी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकल ग्लोबल में समझ में आ चुकी होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये इस तरह से फंक्शन का कुछ पार्ट्स है जो कि आप समझ जाएंगे तो बेहतर होगा, और आने वाले टाइम में तो और एडवांस फंक्शन यूज करेंगे हम। अभी पैरामीटर का थोड़ा बन दिखाया और सेल्सियस का थोड़ा दिखाया और एक प्रैक्टिकल भी आपने देखा होगा अभी, और साथ साथ में एक लोकल ग्लोबल मैंने दिखा दिया, बाकी तो और भी अच्छा खासा फंक्शन आप यूज कर सकते हो वो आने वाले टाइम में, जैसे जैसे पार्ट मतलब और वीडियोज आएंगे और भी हम जो टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि थोड़े और एडवांस हो गए तो और एडवांस फंक्शन यूज हो गए इसमें, रिटर्न कैसे करता है फिर डायरेक्ट फंक्शन कैसे बना रहा है, बहुत सारे फंक्शन के भी तरीके हैं, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको कंफ्यूजिंग सारी दूर हो जाएगा और होता रहेगा जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है चूंकि फंक्शन, तो होप सो आज का वीडियो पसंद, लाइक ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।